एक इंसान के रूप में तो वो संत हैं, एक्चुअली संत हैं, पर उनकी तरफ से कभी कुछ नहीं आता और ना ही वो कभी मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं इतने सालों से राजनीति में हूँ, तुमसे हम ये उम्मीद नहीं करते कि तुम मुझे कोई सलाह दो। अच्छा, उनके बारे में कोई एक ऐसी बात जो आम पब्लिक को ना पता हो, लोग बहुत कम जानते हो? सिर्फ एक ही उनके अंदर कमजोरी है। सिंधिया जी से उनके बातचीत होती है कि नहीं? एक एक व्यक्ति इस प्रदेश का बदलाव चाहता है। नमस्कार, एमपी में चुनाव है, इस वक्त हम हैं भोपाल में और इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये है दिग्विजय सिंह का बंगला। तो आपने दिग्विजय सिंह के कई इंटरव्यूज देखे होंगे, आज हम उनका इंटरव्यू नहीं करेंगे, हम उनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिनसे दिग्विजय सिंह को ऊर्जा मिलती है। आइए चलते हैं और मिलवाते हैं अपने मेहमान से। तो इनसे मिलिए, एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पत्नी, पूर्व पत्रकार, पूर्व कहूं कि पत्रकार, अभी भी कहूं पत्रकार, तो पत्रकार ही होता है हमेशा। अच्छा, तो दिग्विजय सिंह की पत्नी और पत्रकार अमृता राय, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? सर कहाँ हैं? मैदान में। अच्छा, प्रचार करने गए हुए? ऑब्वियसली। तो शाम के करीब 5-6 बज रहे हैं ना? कब आते, कब घर? देखिए, वो उनका कोई सरकारी जॉब तो है नहीं कि वो 10-5 की ड्यूटी करते हों, वो तो घर से 6 बजे निकलते हैं और रात कब आएंगे इसका कोई समय तय नहीं होता है। तो कभी कभी वो अगर जल्दी आ जाते हैं तो 10 बजे आते हैं, और नहीं तो 1-2-3, कभी भी कुछ भी। रात के 10 बजे घर आते हैं उनका? मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि दिग्विजय सिंह जी का जो की शाम जो है वो रात के 10 बजे होती है। तो इस तरह से हम लोग कभी एक साथ शाम नहीं बिता पाते। और सुबह कितने बजे निकलते हैं? सुबह क्योंकि वो बहुत धार्मिक और पूजा पाठ करते हैं, तो वो सुबह उठ के योगा करना, नहाना धोना और फिर पूजा करना, ये सब करने में उनको थोड़ा वक्त लग जाता है। तो वो करीब 9-9:30 बजे निकलते हैं, अगर रूटीन उनका चल रहा है तो, अदरवाइज तो जब जैसी ज़रूरत होती है। आपका गार्डन बड़ा अच्छा, टहल के बातचीत कर सकते हैं। ज़रूर ज़रूर आइए। तो आजकल आपकी ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो पाती होगी? अब पॉलिटिशियंस की वाइफ के साथ शायद ऐसा ही होता होगा हमेशा, मुझे लगता है हर किसी के साथ यही प्रॉब्लम होगी। तो कितना समय मिलता होगा आपको? बहुत मुश्किल से 5-10 मिनट। तो बस 5-10 मिनट बातचीत होती है? मुश्किल 10 मिनट, यस। अब यही हम थंब बना देंगे कि आजकल दिग्विजय सिंह की उनकी अपनी पत्नी से बातचीत नहीं हो रही है, लोग घूम देने। तो केवल आपको सिर्फ 10 मिनट का समय मिलता है? देखिए, वैसे जब खाना खाते हैं हम लोग तो बातचीत होती है थोड़ी बहुत, लेकिन आजकल क्योंकि इलेक्शन है तो वो ज़्यादातर अपने कैंडिडेट, अपने नेताओं, अपनी पॉलिटिकल चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, तो मैं ज़्यादा उनको डिस्टर्ब नहीं करती। अच्छा, आज मैंने उनको फ़ोन किया, दिग्गी राजा को, कहा कि सर आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा इंटरव्यू करना है तो पहले जो है मेरी मीडिया मैनेजर से बात करो। उन्होंने आपकी तरफ इशारा किया। तो आप उनकी, आप उनका पूरा मीडिया मैनेज करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जब उनको, उनके पास वक्त नहीं होता है और जब उनको ऐसा लगता है कि अब मैं किसी को मना भी नहीं करना चाहता और वक्त भी नहीं है, तो वो इधर टाल देते हैं। नहीं तो एक पत्रकार से शादी करने का एक फ़ायदा भी है ना, कि बिना पैसे दिए आपका जो है, आपका अपना मीडिया पर्सन जो है, आपका मीडिया एडवाइजर मिल जाता है। हाँ, वो तो देखिए, इस देश की तमाम महिलाओं के प्रति भी मैं सहानुभूति रखती हूँ, बिना पैसा दिए वो सारे घर का काम कर देती हैं और उनको तो कोई पैसा नहीं मिलता। तो मैं तो पत्रकार हूँ, छोटा मोटा काम कर देती हूँ, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो देश की 50% जो आबादी है महिलाओं की, वो घर का सारा काम करती हैं और उनको तो कोई पैसा नहीं मिलता, फिर भी वो अपने पति के लिए व्रत भी रखती हैं, पूजा पाठ भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, सारा काम करती हैं। तो मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, उसका हिस्सा हूँ। तो सुबह उठते हैं, उनकी दिनचर्या यही है, सुबह उठते हैं, योगा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर प्रचार पर निकल जाते हैं। हाँ, और खाने पीने का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। थोड़ा सा पत्नी होने के नाते मुझे कभी कभी लगता है कि पता नहीं कैसे इनका काम चल रहा है, सुबह कुछ खाते नहीं हैं, ऐसे चले जाते हैं, दोपहर में आते नहीं हैं, रात में कभी 10 बजे आते हैं, कभी 12 बजे आते हैं, तो चिंता लगती है मुझे। लेकिन अब मैं इस वक्त में क्या ही कह सकती हूँ।
चुनावी सीजन है तो, तो बीच में कभी आप कॉल कर लेती हैं कि क्यों नाश्ता किया आपने? हाँ नहीं, वो नाश्ता वाश्ता करने की कॉल वो नहीं लेते कोई जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक नाश्ता वाश्ता को वो परवाह ही नहीं करते। जब वो मुझे लगता है कि वो एक ऐसे जुझारू और जुनूनी राजनीतिज्ञ हैं जिनको कि जिनका पेट भर जाता है और जिसका मन भर जाता है कि बस काम करो और करते चलो। अच्छा, जब वो घर आते हैं, चूंकि आप भी पत्रकार हैं, आपकी भी राजनीतिक समझ काफ़ी अच्छी है, तो क्या बातचीत होती है आप लोगों के बीच में? बात होती है चुनाव से रिलेटेड कि आज मैंने ये किया, ऐसा किया, यार ऐसा हो गया, आप क्या करना चाहिए? बहुत कम बात होती है इन सब मसलों पे, क्योंकि घर में घरेलू चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बात हो जाती है। वो कभी कभी मुझे परेशान तो दिखती ही नहीं है। अच्छा। कितनी बड़ी से बड़ी भी घटना हो जाए पर उनको कभी परेशानी नहीं होती है। मैंने उनको कभी ऐसा कहते हुए नहीं सुना कि आज ऐसा हो गया अब मुझे बताओ क्या करना है, बल्कि मैं उनसे कई बार, अगर मैं, क्योंकि मैं मीडिया में रही हूँ और एक बार आप जानते हैं जो एक बार पत्रकार हो गया उसके दिमाग से पत्रकारिता जाती नहीं है, तो मैं खबरें देखती रहती हूँ, मैं ही पूछ बैठती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, पर उनकी तरफ से कभी कुछ नहीं आता और ना ही वो कभी मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं इतने सालों से राजनीति में हूँ, तुमसे हम ये उम्मीद नहीं करते कि तुम मुझे कोई सलाह दो। तो मैं अपनी सलाह बेवजह नहीं देती हूँ, जहाँ पे ज़रूरत रहती है वहाँ देती हूँ पर बेवजह नहीं। और जब कभी आप परेशान होती हैं तो उसे दिव्य सिंह कैसे लेते हैं और कैसे, मतलब आपको कहते हैं कि सब ठीक है, चिंता मत करो, आपको कैसे? देखिए, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग वो बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही शांत, बहुत ही बिना किसी अपेक्षा के रहने वाले व्यक्ति हैं। उनके अंदर, मुझे नहीं लगता, मैंने आज तक कभी उनको ये कहते हुए नहीं सुना कि मुझे ये चीज़ चाहिए। वो बिल्कुल ही, मतलब अगर वैसे देखा जाए एक इंसान के रूप में तो वो संत हैं, एक्चुअली संत हैं। आज के ज़माने में कोई ऐसा नहीं होगा जिसका कोई सपना ना हो, कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी कोई ख्वाहिश ना हो, कोई ऐसा नहीं होगा जो बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करता हो, तो ये सब कुछ उनके अंदर गुण हैं और वो सबको खुश रखना जानते हैं। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी वो बेहद शांत और धैर्यवान व्यक्ति हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग के नाते मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या मैं ऐसा बन सकती हूँ कभी, कि इतनी कठिन परिस्थिति में बहुत गुस्सा आ रहा हो फिर भी मैं अपने गुस्से को शांत बना के हंसती रहूँ, मुझसे नहीं हो पाता, लेकिन वो कर लेते हैं। आपने उनकी तमाम अच्छाइयाँ बताई है ना, सबसे अच्छी बात क्या है वो बताइए एक लाइन में। टफ है लेकिन आपको पता, वो बहुत ही सरल और बहुत ही धैर्यवान है। और एक लाइन में कहूँ तो वो आज के ज़माने के हिसाब से तो संत ही हैं, क्योंकि उन्होंने, मैंने बहुत सारे पूजा पाठ करने वाले लोगों को देखा लेकिन कोई इस हद तक पूजा नहीं करता कि वो बिना खाए अगर घर से निकल, बिना पूजा किए अगर घर से निकल गए तो वो अन्न का दाना भी नहीं खाते। अच्छा। हाँ, तो अगर उनको शाम के 6 भी बज जाए तो भी वो आते हैं तो पूजा करते हैं फिर अन्न खाते हैं, उसके बीच में वो अन्न का दाना मुंह में नहीं डालते जब तक वो पूजा नहीं करते। तो ऐसा तो कोई संत ही हो सकता है, मतलब मैं तो बहुत सारे संत लोगों से भी मिलती हूँ, वो भी कहते हैं कि ये बहुत ही रेयर है। और उनकी जो गुण हैं, जो मानवीय गुण हैं, उन सभी मानवीय गुणों में वो मुझे बहुत ही परफेक्ट लगते हैं। सिर्फ एक ही उनके अंदर कमज़ोरी है कि वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते और उसमें वो स्टैंड नहीं ले पाते कभी कभी, जो मुझे कभी कभी एज ए पत्रकार मुझे लगता है कि स्टैंड लेना चाहिए, कि वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते, इसलिए कभी कभी जहाँ पे स्टैंड उनको लेना है वहाँ पे भी स्टैंड नहीं लेते। अच्छा। क्योंकि वो खुश रखना चाहते हैं सबको, ये है। अच्छा, उनके बारे में कोई एक ऐसी बात जो आम पब्लिक को ना पता हो, लोग बहुत कम जानते हो, कुछ लोग ही जानते हो, जैसे आपने एक बात ये बताई कि किसी को नाराज करना नहीं चाहते, इसके अलावा कोई एक और चीज? फिल्में देखते हैं? हाँ, फिल्में देखते हैं जब उनके पास समय होता है, हालांकि हम लोग साल दो साल में कभी एक बार फिल्म आखिरी बार आपने कौन सी पिक्चर देखी थी उनके साथ? आखिरी बार हमने लाल सिंह चड्ढा देखी थी उसके बाद फिर हमने फिल्म नहीं देखी। कई बार हमने कोशिश की कि एक दो और फिल्म देख लें लेकिन उसका वक्त नहीं आया, तो लास्ट फिल्म हमने वही देखी थी। यहाँ तक कि मैंने ये देखा कि उनके अंदर
राजनीति जो है ना उनके खून में जुनून की तरह चलती है। तो जब वो सरकार 2020 में चली गई कांग्रेस की और पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, उस दौर में भी वो घर में नहीं थे, उस दौर में भी वो लोगों को खाना बांटने के लिए निकल जाते थे और फिर वो खाना बांटने और अपना घूमने फिरने और लोगों से मिलने जुलने, जिसको जहाँ पे जैसी मदद करनी हो वो करते थे। यहाँ तक कि जब उनको कोविड हो गया था, वो करीब करीब एक महीने 17 दिन तक तो डॉक्टर ने पूरी तरह से उनको क्वारंटाइन होने के लिए कह दिया था और उसके बाद भी लगभग एक महीने तक वो घर में रहे। तो जब वो घर में थे तो कई बार मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर्स ने बोला इनको घर में ही रखे, हॉस्पिटल नहीं भेजने की ज़रूरत है। तो घर में वो कंटिन्यूस फ़ोन पे रहते थे और मुझे लगता था कि डॉक्टर कहते हैं कि एनर्जी सेव करनी चाहिए, इतना एनर्जी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये बीमारी ऐसी है कि जहाँ पे आपको खुद अपने आप को बचाना है। पर उन्होंने कभी अपने आप को बचाने की कोई परवाह नहीं की। वो लगातार फ़ोन पे उनको ब्लड देना है, उनको प्लाज्मा देना है, उनको ये दवाई देनी है, उनको एडमिट कराना है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा, उनको एम्बुलेंस देना है, यही करते थे क्वारंटाइन में रहते हुए भी। तो मैंने तो उस हालत में भी उनको दूसरों के बारे में ही सोचते हुए देखा है। पहले मैं ये चीज़ें समझ नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं उनको पास से देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चलते फिरते राजनीति के एक स्कूल हैं। अगर किसी को राजनीति सीखना हो और समझना हो तो उनके स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए, राजनीति की पाठशाला। अच्छा राघोगढ़ आप जब जाती हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे उनके प्रति लोगों के मन में बहुत प्यार है, लोग राजा कहते हैं, दिग्गी राजा। आपको कैसा महसूस होता है, आपने क्या वहाँ पे महसूस किया दिग्गी राजा के प्रति जो मन में? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि पूरा मध्य प्रदेश उनको राजा कहता है, और इसलिए नहीं कहता है कि उनका कोई राजसी बैकग्राउंड है, इसलिए कहता है क्योंकि वो दिल से राजा हैं। और उनके मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लोग कहते हैं वो ऐसे करके रखते हैं अपना हाथ, कभी ऐसे फैलाते ही नहीं है। तो वो हमेशा वो जो आए, जिस भी तरह का व्यक्ति आए, जिसकी जैसी ज़रूरत हो, किसी को इलाज कराना है, किसी का एडमिशन कराना है, किसी के साथ और कोई प्रॉब्लम है, किसी की बेटी की शादी करानी हो, मतलब इस तरह के हर एक चीज़ जो आप सामाजिक जीवन में कल्पना कर सकते हैं वो सब कुछ वो पूरा करते रहते हैं, और इसलिए लोग उनको राजा कहते हैं। पहले मुझे बड़ा एतराज़ था इस वर्ड से कि ऐसा क्यों, मतलब हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, सामंती टाइटल ठीक नहीं है। लेकिन बाद में जब मध्य प्रदेश के लोगों से मेरी बात हुई, उनसे नहीं, मध्य प्रदेश के लोगों से बात हुई, और उन्होंने जो उनके फीडबैक के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि वो एक्चुअली दिल से राजा है। और आपको शायद पता हो, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि वो सिर्फ अपने लोगों का नहीं, विरोधियों के लिए भी उतना ही काम करते रहे हैं। अच्छा। और शिवराज जी, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो शिवराज जी का एक्सीडेंट हुआ था, अपने सरकारी प्लेन से उनको बॉम्बे भेजकर उनका पूरा इलाज कराने का काम इन्होंने किया था। तब शिवराज जी इनके दोस्त नहीं थे और ना ही कोई इतने बड़े लीडर थे, और ना ही कोई ऐसी बात थी कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन तब भी उन्होंने उनका इलाज किया। और यहाँ पे आज भी जो भी हमारे घर आता है, हम नहीं पूछते कि तुम्हारा इंक्लिनेशन किधर है, तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है, हमसे जो बनता है हम कर पाते हैं तो कर देते हैं उसके लिए। और शायद ये उनकी मतलब उनकी दरिया दिली है, जो वो ये सब चीज़ों को देखते भी नहीं हैं। आपने कहा कि वो जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं उनके साथ भी बड़े मतलब दोस्ती वाला व्यवहार रखते हैं, सिंधिया जी से उनके बातचीत होती है कि नहीं? देखिए, मैं किसी के फ़ोन में या किसी के निजी जीवन में नहीं घुसती हूँ, तो मैं ना कभी पूछती हूँ कि बातचीत होती है कि नहीं, ना ही मैं कभी मैंने कोई दिलचस्पी दिखाई। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो दिल से सिंधिया जी को मतलब सम्मान करते हैं, और जब सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में थे तो सिंधिया जी के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे, क्योंकि वो कई बार हमारे घर भी आते थे और हम लोग देखते थे, मैं वहाँ बैठती नहीं थी, लेकिन जितना हम उनको समझ पाए हैं वो सम्मान करते हैं। और सम्मान सिर्फ सिंधिया जी का क्या, बीजेपी का कोई भी लीडर आ जाए, उनका उतना ही सम्मान हमारे घर में होता है जितना कि किसी कांग्रेस के लीडर का होता है। तो एक अच्छे इंसान, एक नेक इंसान की खूबी यही होनी चाहिए कि चाहे आपका विरोधी हो या चाहे आपका दोस्त हो, वो आए आपके दरवाजे तक आया है तो आप उसको प्रेम से अपने घर में बिठाइए,
उसका जो भी स्वागत कर सकते हैं करिए, वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो उनको लोगों के बीच में अच्छा लगता है। अच्छा। पब्लिक अगर उनके आसपास ना रहे, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं, मतलब मैंने हमेशा देखा कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे ढेर सारे लोग जुड़े रहते हैं, आते जाते रहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक यूनिक बात बताती हूँ, उनकी बड़ी सिस्टर यहीं भोपाल में थी तो वो कहा करती थी कि मेरा भाई जो है मदर बी है। अच्छा। मतलब मधुमक्खी की जो की रानी होती है वैसा है, जहाँ पे मदर बी होती है वहाँ पे चौतरफा चारों तरफ केवल मधुमक्खियाँ घिरी रहती हैं। तो वो उस टाइप से उनको कहती थी कि आप, मेरा भाई एक मदर बी की तरह है और वो जहाँ पे भी रहता है चारों तरफ मधुमक्खियाँ घेरे रहती हैं। सो वैसे ही हैं वो। तो कभी आप उनसे शिकायत नहीं करती हैं कि भाई आप इतने लोगों से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं, कि मुझे जो मेरा हक है वो थोड़ा सा कम हो जा रहा है, समय नहीं दे पा रहे हैं या फिर थोड़ी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, साथ में खा नहीं पा रहे हैं, साथ में पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं, गाने नहीं सुन पा रहे हैं? देखिए अब हम लोग उस एज में तो है नहीं। हाँ। लेकिन दूसरी बात ये है कि हाँ थोड़ी सी ये शिकायत रहती है कि समय पे खाना चाहिए, समय पे घर आना चाहिए, पर जनरली मुझे लोगों के बीच में मुझे भी अच्छा लगता है। और मैं जितने लोग मिलते हैं, जितने लोग उनके पास आते हैं, बहुत सारे लोगों से मैं खुद भी मिलती रहती हूँ, बातचीत करती रहती हूँ, तो मैं उसको, मतलब मैं उसको इंजॉय करती हूँ, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि लोग आते हैं, मेरे हस्बैंड को लोग प्यार करते हैं, मेरे हस्बैंड उनको इतना कुछ देने की क्षमता रखते हैं कि वो लोग बार बार उनके पास आते हैं, तो ये किस पत्नी को गर्व से नहीं भर देगा। मुझे भी अच्छा लगता है, गर्व भी होता है। वो एक दिन जब आपने दिग्विजय सिंह को बहुत ज़्यादा खुश देखा हो, यार ये आज तो बहुत हैप्पी लग रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरे फादर कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी का अगर एक वर्ड में कैरेक्टराइजेशन करना हो तो वो विनोद प्रिय व्यक्ति हैं। तो उनको किसी भी हालत में देख लो, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा खुशी का दिन या कोई बहुत ज़्यादा दुख का दिन ऐसा मैंने उनको देखा नहीं है, वो हमेशा संभाव में रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। मैंने बताया आपको कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, कितना भी उनके ऊपर मुश्किल आई हो, लेकिन कभी भी उनके चेहरे पे मुझे शिकन नहीं दिखती, कभी भी वो हैरान परेशान नहीं दिखते। हाँ ये ज़रूर है कि जब वो व्यस्त रहते हैं तो मुझे समय नहीं देते, वो एक अलग बात है, पर उनके चेहरे पर कोई परेशानी का भाव या कोई ऐसा भाव कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा या मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ऐसा भाव उनके अंदर मैंने कभी नहीं देखा। उन्हें खाने में क्या पसंद है, और खासकर आपके हाथ का बना कोई डिश अगर ऐसा हो तो? खाने में उनको सभी कुछ पसंद है, मतलब यहाँ पे एक कहावत है, लोकल लोग कहते हैं कि उनको मुंगेड़े बहुत पसंद हैं, और अगर किसी उनकी गाड़ी किसी एरिया से गुजर रही हो और उसका चेन पुल करना हो तो मुंगेड़े बना के रख दो, चेन पुल हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी। तो मुंगेड़े को एक चेन पुलिंग की तरह से लोग यूज़ करते हैं और उनको मुंगेड़े बहुत पसंद हैं। अच्छा, अब चूंकि मेरी बात एक पत्रकार से भी हो रही है तो थोड़े राजनीतिक सवाल भी होने ही चाहिए, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक पत्रकार के तौर पर, एक कांग्रेस नेता की पत्नी होने के तौर पर नहीं, आप क्या देखती हैं एक पत्रकार होने के तौर पर कि भाई इस बार एमपी में किसकी लहर है और इस बार कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती हैं, आपका आकलन क्या कहता है? मेरा आकलन ये कहता है कि एक एक व्यक्ति इस प्रदेश का बदलाव चाहता है और हर किसी को एक ऊब, एक उलझन होती है, एक ही तरह की सरकार, एक ही तरह के माहौल में रहते हुए उसको बदलाव चाहिए। लोकतंत्र की बुनियादी शर्त यही है कि बदलाव होते रहना चाहिए, क्योंकि बदलाव से निरंतरता और ज़्यादा उत्थान की एक संभावना बनी रहती है, वरना स्टैग्नेशन आ जाता है। तो मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति जो हमारे आसपास है, जो मिलता है, जो मुझे जानता है या जो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता, सबके ज़ुबान से एक ही बात सुनती हूँ मैं कि मध्य प्रदेश में बदलाव होना चाहिए, बहुत हो गया, अब बदलाव होना चाहिए। और बदलाव में फिर वही सरकार को वो नहीं चुनना चाहते, इसलिए वो विकल्प के तौर पर जो सबसे बड़ा विकल्प है उसको चुनना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को चुनना चाहते हैं। तो ये एक जनरल माहौल है। मैं सीट का कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकती क्योंकि मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मीडिया वालों को एग्जिट पोल पे छोड़ दीजिए। ये मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों की भावनाएँ पढ़ती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, लोगों के आसपास रहती हूँ, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सभी लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में बदलाव हो, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप एक महिला हैं और जब भी मैं
घूम रहा हूँ लगातार एमपी में, तो कुछ छात्राओं से मेरी बातचीत हो रही है, तो उनका ये कहना है कि शिवराज जी की जो योजना है लाडली बहना योजना, तो वो कह रही है कि मुझे, हमें पैसे नहीं चाहिए जो पैसे दे रहे हैं, हमें अगर मजबूत करना है तो हमें रोज़गार दो, हमें अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ। तो आप इस योजना को किस रूप में देखती हैं? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि देखिए, ये बहुत आसान है कि किसी को 1,000 रुपये दे के अपने पक्ष में कर लो, और ये बहुत मुश्किल है कि किसी को अच्छा जीवन दो, उसको खुशहाल जीवन दो, उसकी अच्छी शिक्षा और उच्च शिक्षा और उसके अलावा अच्छी नौकरी की व्यवस्था करो। तो सुरक्षा और संरक्षा ये ज़्यादा ज़रूरी है। आज की महिला को पैसे नहीं चाहिए, वो किसी के आगे हाथ फैला के गिड़गिड़ाना नहीं चाहती, वो पढ़ी लिखी समझदार है, नई जमाने की नई औरत है, उसको अपने लिए एक सुरक्षित माहौल चाहिए जिसमें वो बाहर निकल के अपने मनपसंद नौकरी कर सके, अपने मनपसंद लड़के से प्रेम कर सके, अपने मनपसंद लड़के से शादी कर सके, अपने मनपसंद कपड़े पहन सके, अपने मनपसंद जगहों पे घूम सके। लड़की को ये चाहिए। लड़की को 1,000 रुपये से आप खरीद नहीं सकते। जो मैं समझती हूँ, शायद आपको वो वैसी लड़कियाँ मिल गई तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि आपको ऐसे लोग मिले जो खुल के ये बात कह रहे हैं। अच्छा, वो वक्त जब सरकार गिर गई थी, लोगों ने आरोप लगाए कि सिंधिया जी नाराज़ हुए हैं, तो दिग्विजय सिंह की वजह से नाराज़ हुए हैं, सच्चाई क्या थी? आपने तो देखा होगा, उस समय आप रही होंगी दिग्विजय सिंह के साथ में, तो कुछ आपने समझा होगा। देखिए, मैं ऐसे पॉलिटिकल सवालों का जवाब नहीं देना चाहती और मुझे देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उस तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। अच्छा, आने वाले समय में क्या हम आपको राजनीति में देख सकते हैं? संभव है क्या ये कि बिल्कुल? मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। मतलब देख सकते हैं? मैं कुछ भी नहीं कह सकती। जब आदमी कुछ कहता है कि मैं कुछ नहीं कह सकती, तो फिर उसके पीछे उनकी मंशा कुछ होती है। नहीं, हमारी मंशा कुछ नहीं है। देखिए, मैं हमेशा, मैं थोड़े आदर्शवादी किस्म की हूँ। मैं ये मानती हूँ कि आप अच्छे कर्म करें ताकि लोग आपके पास खुद ब खुद आए। मैं वैसी चीज़ नहीं करना चाहती कि मैं किसी के हक को हड़प लूँ। मैं हक को हड़पने वाले किस्म से, मतलब मैं हक को हड़प कर अपनी ऊंचाइयां हासिल करने वाली महिला नहीं हूं। अगर किसी को लगता है कि मैं इसके योग्य हूं तो वो करे, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई स्पेस नहीं देना चाहता, कोई बात नहीं, हम दूसरे रास्ते अपना लेंगे। मैं इस पक्ष में हमेशा रहती हूँ कि दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है। आप कोई भी पेशा अपनाइए, लेकिन अगर आप दिल और दिमाग अपना 100% उसमें लगाते हैं तो आप उस पेशे में हमेशा तरक्की कर सकते हैं। इसलिए पेशा कोई भी बुरा नहीं है। पत्रकार बनना भी अच्छा है, पॉलिटिशियन बनना भी अच्छा है, कैमरामैन भी बनना अच्छा है। मैं तो आपके कैमरामैन की तारीफ करना चाहूँगी, इतनी तल्लीनता से इन्होंने हाथ में कैमरा लेके इतनी देर तक काम किया है। सो काम हर अच्छा है, जिसमें आपको अच्छा लगे, जो आपके मन को संतुष्ट कर सके और जिसमें दूसरों को लगे कि ये हमारे कुछ काम आ रहा है। मैं पत्रकारिता करके भी बेहद खुश हूँ, मुझे कोई अपने पेशे से शिकायत नहीं है। एक मैम का परिचय ये भी है कि ये बक्सर और बिहार की बेटी हैं और बहुत बढ़िया भोजपुरी बोलती हैं। बहुत बढ़िया हुआ भोजपुरी बोले नहीं, हमारे बहुत लोग बतौले बा। हाँ, तब हम अपना माई बाप से तब भोजपुरी में बात करें नहीं। और जे भी रिश्तेदार नातेदार केहू अगर भोजपुरी में बोले चाहेला तो हम उसे भोजपुरी में बात करें नहीं। इनफैक्ट हमके भोजपुरी बहुत अच्छा लगेला, काहे कि हमके हमेशा लगेला कि जौन भाषा आपन बा, मतलब एकदम दिल से आत्मा से जौन चीज निकलता हो कि कैसे केहू भुला सकेला। हमें हमके भोजपुरी गाना बहुत अच्छा लगेला, और खास तौर से छठ के गीत हमके बहुत पसंद आएला, और भी बहुत सारा गीत। अब इस समय हमरा दिमाग में तो कोनो चीज नहीं है, लेकिन छठ के गीत हमके बहुत अच्छा लगेला, बहुत ज्यादा अच्छा लगेला। और हमके लगेला कि ये एगो ऐसन पहचान बा जौन पूरी दुनिया में इकलौता हमनी के पहचान बा छठ। तो ऐसे हम के छठ के गीत बहुत अच्छा लगे। कहा या और कृष्ण भगवान के राधा जी के मूर्ति बा तो ऐसे ही क्यों दे गई रहे, तो ऐसे हम ईजा रख देनी। वैसे हम आपके बताई, दिग्विजय जी कृष्ण भगवान के बड़ा उपासक हुआ और उनका के अच्छा लगेला, तब हो सका था केहू दे गई हुई। हमके लगल कि अच्छा बात है, ऐसे ईजा रख देनी। अच्छा, हमके कोई भी चीज के मतलब बहुत सारे लोग के यहाँ बहुत सारी चीज आवेला तो आदमी इधर उधर कर देला, लेकिन हमरा के कोनो चीज आवेला तो हमके बहुत सहेज के सही जगह पर रख देनी। तो हमके लगल कि बहुत सही जगह बा इनका के रखे खातिर, तो ऐसे हम इनका के एजे सहेज देनी। अच्छा, एगो सवाल जो हम तनी पहले ही पूछ लेवे के चाहत रहला, हम भुला गए नहीं। हाँ, राजनीति में दिग्विजय सिंह के आदर्श के हा,
और आपका आदर्श कौन है, आप दोनों का? आपसे बातचीत करते हुए बताते हैं ये नेता बड़े अच्छे थे, चलते थे तो ऐसे लोग उनके पीछे पीछे चलते थे, कभी ऐसा बताया उन्होंने? मेरे साथ तो कभी ऐसी बात नहीं हुई दिग्विजय जी की कि राजनीति में उनका आदर्श कौन है, लेकिन जो मैं उनको समझती हूँ उसके हिसाब से वो हमेशा ये मानते हैं कि इस देश की नब्ज को समझने का काम महात्मा गांधी ने किया था। तो वो महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर, उनके आदर्शों पर चलते हैं, ऐसा मेरा आकलन है। उन्होंने कभी कहा नहीं है इस बात को, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि इस देश की नब्ज को समझने का काम महात्मा गांधी ने किया था, तो शायद उनके आदर्श भी महात्मा गांधी हों। और मेरे बहुत बचपन से जब मुझे राजनीति की समझ नहीं थी तब भी मुझे महात्मा गांधी के कुछ कोट्स बहुत पसंद थे। हालांकि आज के दौर में महात्मा गांधी एक आदर्श हैं, लेकिन बहुत सारी इस बीच में राजनीति बदल भी चुकी है, पर मैं अभी राजनीति में नहीं हूँ तो मैं राजनीति के आदर्श क्यों ढूंढने जाऊँ। बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें समय दिया और आपने हमसे बातचीत की, हमारे जो दर्शक हैं उनको वो आपने जानकारी दी जो शायद उनको नहीं पता थी दिग्विजय सिंह के बारे में, उन लोगों को आपने वो जानकारी दी जो लोग दिग्विजय सिंह को बहुत पसंद करते हैं लेकिन उनकी कुछ बातें जो उनको नहीं पता थी आपने वो सारी बातें बताई। तो ये थी अमृता राय जिनसे हमने बातचीत की। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। बाकी एबीपी लाइव की चुनावी कवरेज जारी है, आप देखते रहिए एबीपी लाइव।